राम राम भाई सारे भाइयों, आज मैं आ गया हूँ मेंटर 365 गुरुकुल में भाई, जो कि साउथ हरियाणा का पहला गुरुकुल है भाई। और जो भी बच्चे हरियाणा पुलिस और भाई पुलिस की CPO CGL DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भाई ये गाइडेंस अवेलेबल कराएगा आपको भाई गुरुकुल। और अंदर जाकर बच्चों से बातचीत करते हैं भाई, किस प्रकार बच्चे पढ़ रहे हैं, और सुनने में आए भाई जो संचालन कर रहे हैं इस गुरुकुल का भाई, उनके खुद के भाई 18-20 एग्जाम हो चुके हैं, तो भाई उनका सच्चा एक्सपीरियंस, उनका अपना एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से वो गाइड करेंगे ताकि भाई बच्चों की हेल्प हो। और ये एड्रेस बता देता हूँ आपको भाई, गंगोली सारन वासदेववाड़ी भाई, ठीक है, इस रोड पे है भाई। अंदर अंदर जाके दिखाते हैं बाकी का। लो भाई चलो भाई, सामने भाई ग्राउंड दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरा ग्राउंड है भाई, और नेचुरल है भाई, ज़बरदस्त एनवायरमेंट लग रहा है ये भाई। आगे को बढ़ते हुए पूरा कैंपस दिखाएंगे भाई, बच्चों से बात करेंगे ताकि भाई आपके सभी डाउट्स क्लियर हो। बाकी भाई आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा उनका, आप उनसे हर डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। लो भाई ज़बरदस्त ग्रीनरी के साथ आगे बढ़ते हुए भाई, और ये बिल्डिंग्स है, पहले सर से मिलेंगे ऑफिस में भाई, फिर बच्चों से बातचीत करेंगे भाई, कैसे खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, और भाई सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या क्या है भाई इन बच्चों की, और भाई बच्चे कैसे जुड़े हैं गुरुकुल के बारे में, उनके क्या प्रतिक्रियाएं हैं भाई, सभी जानेंगे अंदर जाकर सर से और बच्चों से भाई। आपको एक लॉयल रिव्यू दिखाएंगे भाई गुरुकुल का भाई, जो भी बच्चा अपना घर पढ़ा नहीं जा रहा है, हजार तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं भाई, उनके लिए स्पेशल है भाई, ताकि भाई इजीली बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सके भाई वो बच्चे, और अपना जल्दी से जल्दी। लो भाई ऑफिस की तरफ आ लिए हम बिल्कुल भाई, सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये ऑफिस है भाई, इस तरफ ये हॉस्टल है, मैस है, वो दिखाएंगे भाई। पहले ऑफिस में जाके बातचीत करते सर से, ये देख सकते हो भाई साफ सुथरे पार्क हैं बिल्कुल, और भाई प्रकृति गोद में पढ़ाई करेंगे आप सब, और मेंटली पीस भाई, फिजिकल आपकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी, जिसके साथ मेंटल भी योगा वगैरह की सुविधा है भाई, तो पूरा अच्छे से ध्यान रखते हुए भाई बॉडी का माइंड का, उसके बाद भाई आप अच्छी तैयारी करो और जल्दी से ऑफिसर बनो। लो भाई ऑफिस की बिल्डिंग दिखा दी है आप लोग का, और ऑफिस में चलते हैं भाई, बातचीत करते सर तय, और फिर उस बच्चा से बातचीत करते हैं भाई, एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, और भाई बहुत ही बढ़िया भाई, ये भाई ऑफिस है, सर होंगे अंदर, सर तक बातचीत करते हैं। तो भाई ऑफिस में सर बैठे हुए, सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार फोटा भाई, क्या हाल चाल? बहुत ही बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हो सर? बस बढ़िया भाई, सुना तो बहुत ही बढ़िया जी। तो गुरुकुल में आ गए जी आज आपके, तो फिलहाल कौन से बैच है जी, कौन से बच्चे एडमिशन भाई? फिलहाल अपने पास डीपी कांस्टेबल, जो मैंने खुद एग्जाम निकाले ना आपको पता, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, डिप्टी कांस्टेबल DSSB के टीचिंग एग्जाम, TGT PGT या नॉन टीचिंग एग्जाम, CPO, क्योंकि मेरी खुद की है ऑल इंडिया रैंक 79 रही है, बहुत बढ़िया, उसकी तैयारी करा रहा हूँ, CGL CHSL, उसके बाद आप FCAT CDSE, सारे एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि तैयारी एक बार करो, जम के करो, पर एक ही तैयारी में सारे एग्जाम निकालो तब तो मजा है, क्योंकि मैंने बार बार कोचिंग नहीं करी, एक तैयारी में सारे पेपर निकालो अभी। लो भाई मैं आ गया हूँ मेंटर 365 गुरुकुल की लाइब्रेरी में भाई, ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे भाई, कॉन्स्टेबल के CPO CGL SD SSB भाई, ये सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, तो बातचीत करते हैं भाई किस प्रकार का माहौल है। ये भाई बैठा है भाई, कहाँ से हो आप भाई? UP से संभल। UP संभल भाई, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? SSC स्टेनो। चलो भाई यहाँ पे मेंटर 365 में कैसे जुड़े आप भाई? मैं सर की वीडियो देखता था यूट्यूब से, फिर सर को पता लगा, मुझको पता लगा कि ऑफलाइन भी है, तो मैंने सोचा कि सर से ऑफलाइन, और यहाँ पे। और भाई बात करते हैं आधे बच्चे से, यहाँ इस भाई से बात कर लेते हैं। भाई आप कहाँ से हो? कोसली से। कोसली आर्मी सिटी भाई, चलो किस चीज़ के लिए कर रहे हो भाई? भाई CGL 24 अपकमिंग और CGL CPO 24। चलो भाई पहला भी दिया है चलो इस बार फिर भाई, हाँ मेंटर 365 में क्या कुछ माहौल है भाई? कुछ स्कोर इम्प्रूव करने के लिए घर पे, जो स्टैग्नेंट था, जो गाइडेंस की कमी थी, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ से घर पे थोड़ा। चलो भाई धमाका कर आई की बार भाई, लग गया फिर इंटरव्यू लेना होगा घर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। लो भाई आगे की ओर बढ़ती हो, और बच्चों से बातचीत करेंगे भाई, क्या कुछ तैयारी चल रही है भाई इन बच्चों की, लास्ट में पूछते हैं इन भाई से। भाई क्लास चल रही है भाई, हैं क्या की क्लास चल रही है दोस्त? मैथ्स की चल रही है। अच्छा भाई क्या की तैयारी कर रहा है? SSC CPO। CPO में धमाका कराया भाई। गांव भाई तेरा? गांव माछवली भाई, जिला जज्जर। जज्जर था भाई, बहुत बढ़िया भाई, तो फिर एडमेंटर में क्यों करके जुड़ा भाई तू? भाई
सर का गाइडेंस बैच लिया था कॉन्स्टेबल वाली भर्ती में। अच्छा, तो 20-30 नंबर पर गए थे। इम्प्रूवमेंट आया तो उसने देखते हुए भाई यार आ गया। चलो भाई यार बढ़िया है भाई माहौल। हाँ भाई माहौल का जगह चल रहा है। चलो एक की बार उठा दे दो माँ भाई, एक नंबर की लगाई वर्दी तेरे ऊपर भाई साहब। आपका गाँव? मैं राजस्थान में झुंझुनू। झुंझुनू आर्मी सिटी, शहीदोगी नगरी भाई। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया भाई राजस्थान वाले। तो भाई आप यहाँ कैसे जुड़े भाई, किस प्रकार का लगा? सर का वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे, गाइडेंस वेच वगैरह में वीडियो वीडियो देख के, और फिर मेरे को लगा कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ आ गया। चलो भाई यहाँ पे अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हाँ बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, आराम से बढ़िया 10-11 घंटे। किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो तैयारी? CPO 2024। CPO पहले दिया आपने? नहीं पहले दिया था लेकिन थोड़ा कम ही था स्कोर तो नहीं बैठा। मॉक वगैरह लगा उसमें क्या कुछ आ रहा है? अभी 125 के लगभग आ रहे हैं मॉक। चलो भाई बहुत ही बढ़िया है, आ जाओ भाई। तो भाई बच्चों तो बातचीत करिए सो सर अपने बीच है। हाँ सर, आपने किस चीज़ पर स्पेशल ध्यान दे दिया जी? बच्चे तैयारी तो मुखर्जी नगर भी कर रहे हैं और यहाँ भी और गुरुकुल भी हैं जी, वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, क्या विशेष सुविधा जी जो बच्चे यहाँ आए? देखो भाई गुरुकुल तो काफ़ी सारे हैं, मुखर्जी नगर भी है। देखो तैयारी मेरा मानना है कहीं भी कर ले बच्चा, 10 घंटे रह के पढ़ ले, घर पर पढ़ ले सलेक्शन वहाँ से भी होगा, कहीं भी रह के पढ़ ले 10 घंटे सलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फोकस करा है इनका 10 घंटे शेड्यूल हो, प्रॉपर तरीके से खाना अच्छा हो, क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो पेट खराब होगा। बिल्कुल जी। पहली बात मुखर्जी नगर में जा रहता है मिर्च मसाला सब्जी सब ऐसा ही है। बिल्कुल जी। में तो खाना बढ़िया होगा तभी 10 घंटे टिक पाएगा बैठ। दूसरा मन से शांत हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो, वो तभी हो पाएगा जब सुबह प्रॉपर योगा एक्सरसाइज रूटीन हो। एक सबसे बड़ी चीज है जो सब लोग मिस करते हैं भाई, 10 घंटे अगर आपको कहीं पहुंचना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, तभी आप दिल्ली मोटिवेशन आता है आज ही मैं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल जी। तो तैयारी में पढ़ते वक्त तभी 10 घंटे पढ़ने का मोटिवेशन लगातार रहेगा जब आपको पता हो कि पढ़ना कैसे है। अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वो मेंटरशिप गाइडेंस देने के लिए कोई आपके पास हो, इस पे मेरा पूरा फोकस है कि प्रॉपर मेरे को मेंटरशिप करनी है, गाइडेंस देनी है, प्रॉपर तरीके से बच्चों को फोकस कराना। मेरे खुद के 18 एग्जाम क्लियर है, 18-19 एग्जाम है, 8-10 गवर्नमेंट जो मैं छोड़ चुका हूँ, DPSI से लेके DSSB TGT मैथ साइंस, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने सारे पेपर क्रैक करे हैं तो मैं आपके भी एग्जाम क्रैक करवा सकता हूँ। पिछले काफी टाइम में बहुत सारे बच्चों के एग्जाम क्रैक करवाए हैं गाइडेंस बच्चों से, ऑनलाइन 8-10 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, और ऑफलाइन एक छोटा सा स्टार्टअप है। एकमात्र मकसद है बढ़िया खाना, जबरदस्त तरीके से रहना, मेंटल पीस, गाइडेंस, मेंटरशिप, दिशा नहीं भटकने देनी। मतलब मेन फोकस है बच्चे के ऊपर कि बच्चे को सारी सुविधा देनी है, सुख नहीं है, लग्जरी नहीं है बिल्कुल भी, सुविधा सारी देनी है ताकि उसको पढ़ाई में कोई बात आना, ये चीज है। चलो जी धन्यवाद। मेंटर 365 गुरुकुल में बच्चे खाना खा रहे, भाई इनसे बात करेंगे। भाई भाई आप कहाँ से हो? भाई दिल्ली से हूँ भाई। दिल्ली के चीते भाई, जबरदस्त लुक है भाई की। और भाई खाना कैसा है यहाँ पे? भाई बढ़िया, एक नंबर खाना है, कोई दिक्कत नहीं होती, 3 बार खाना मिलता है, हफ्ते एक नंबर खाना है, हफ्ते में 1 बार पनीर मिलती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में रसगुल्ले और रसगुल्ले सब पार्टी वार्टी सब चलती है। अच्छा, सर की गाइडेंस भी है प्रॉपर। मैं पिछली बार इसी बार कॉन्स्टेबल से मतलब फिजिकल में आउट हो गया था 3 सेकंड से रनिंग की वजह से ही, मतलब पढ़ाई में तो ध्यान दिया बट रनिंग नहीं दिया। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है कि तुम कोई सा ही पेपर दे रहे हो, CGL वाले ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, उनका रनिंग का कोई है नहीं। सही बात है। 3 बार भाई सुबह और शाम 2 बार रनिंग करनी करनी कंपलसरी है। तो बच्चा अगर उसकी तैयारी कर रहा हो वो CPO वगैरह दिल्ली पुलिस वगैरह भी दे सकता है, तो उससे वो डरेगा नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई, भाई बढ़िया, छाल वाल सब मिले। भाई अपना गाँव? भाई यूपी से संबल जिला है। संबल वाले चीते करेंगे कमाल भाई। चलो आप बताओ भाई आपको हरियाणा की डाइट कैसी लगी? भाई एक नंबर है। एक नंबर है, जबरदस्त है। क्या की तैयारी चल रही है अपनी? मेरी भाई CGL में फूड है, इंस्पेक्टर लाग का दिखा हुआ रे हो। तो भाई फिलहाल मैं हूँ हॉस्टल की छत पर, और भाई दिख रहा है गुरुकुल का पूरा व्यू दिख रहा है, और बहुत ही जबरदस्त है भाई लोकेशन, और बिल्कुल नेचुरल भाई एटमोसफेयर है, गजब की चहचहाट है भाई, पशु पक्षी आगी। और देखो सामने है भाई लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, और इधर भाई ये मैस है आपका। और फिलहाल भाई मैं हॉस्टल की छत पर खड़ा हूँ, इस तरफ भाई यहाँ पे ये ग्राउंड तैयार होगा फिजिकल के, भाई दोनों टाइम रनिंग होगी आपकी, ताकि भाई जो है CPO CGL वाले बच्चे हैं इनका पढ़ाई पर तो फोकस लगा है, ये फिजिकल में मार खावे हैं। यहाँ पर ग्राउंड बनेगा, रनिंग होगा प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड बनेगा यहाँ पर। तो भाई ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पर भाई
है और दिख रहा बिल्कुल भाई साफ सुथरा एरिया और ज़बरदस्त। वाइपर करते ही गोद में तैयारी करो और बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी भाई बच्चों का रिव्यू दिखाएंगे तुम्हें और भाई रनिंग करते बच्चों से बातचीत कराएंगे भाई, उससे आपको क्लियर होगा किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। तो भाई सर और ये बच्चे रनिंग करते हुए भाई, बहुत से बच्चे हैं भाई जो CPO CGL इनकी तैयारी करते हैं भाई, फिजिकली वीक रहते हैं भाई ये, क्योंकि काफ़ी काफ़ी घंटे बैठे रहते हैं भाई तो फिजिकल में रह जाए, तो यहाँ पे फिजिकल की भी अच्छी सुविधा है भाई, सर खुद साथ में कर रहे हैं रनिंग। ग्राउंड भाई तैयार हो रहा है बिल्कुल भाई, 400 मीटर का बढ़िया ट्रैक पीछे तैयार हो रहा है, अभी ये स्टार्ट हुआ है भाई और ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो भाई फिजिकल की भी सुविधा, पढ़ाई की अच्छी सुविधा भाई, मेंटरशिप और ये सारी चीज़ें भाई एक ही जगह पे, जिससे भाई आपकी टाइम की बहुत सारी बचत होगी भाई, ठीक है। और एक हेल्दी एटमोसफेयर सेट होगा बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ, आप तैयारी करोगे भाई यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इनिशियल लिया भाई ये इनने सर ने, ज़बरदस्त माहौल है। ये भाई चीते छाएंगे भाई, ये भाई धमाका करेंगे, बहुत ही बढ़िया भाई।